यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज रायबरेली पहुंचे और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बेहद व्यस्त समय में उनका ये दौरा सामने आया है। रायबरेली के जीआईसी ग्राउंड में रैली हुई है और उनका ये दौरा कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी रायबरेली से ही सांसद है। अमित शाह ने रायबरेली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने यह कहा कि रायबरेली में लोगों को विकास नहीं मिला, बस परिवारवाद मिला है।